हेलो एवरीवन, विंटर में ना सब्जियाँ बहुत ही अच्छी मिलती है और मेरे पास आ गए थे ढेर सारे मटर। तो मैंने मटर के बहुत ही टेस्टी वाले हरे भरे कबाब बना लिए। तो ये मटर के कबाब ना वैसे दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इजी वाला मेथड इस्तेमाल किया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और जैसे बनाने में ना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मटर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटर। और देखिए, इस तरह से मटर को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश करके स्टैनर पे रख लिया था। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी जार लेंगे और ये जो मटर है ना हम उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद मैंने मिक्सी को चला लिया था, बिल्कुल बारीक यानी फाइन पेस्ट नहीं करना, दरदरा सा पीसना है। और ऐसा भी नहीं पीसना कि मटर जो है ना वो खड़े रहे, ऐसा भी नहीं करना। तो देखिए, इस तरह से मटर को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, और निकालने के बाद जो बचे हुए मटर है ना उसे भी हमने पीस लेना है। एक साथ सारे मटर ना पीसे, बस इस तरह से थोड़े थोड़े करके आप पीसेंगे ना तो इस तरह से पीस जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच जीरा और 1/2 छोटे चम्मच से कम यहाँ पर मैंने हींग ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए ना तब इसके अंदर अदरक और लहसुन मैंने कूट कर ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब। पिसा हुआ आप अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश कूटा हुआ लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी है 3 मीडियम साइज की, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। अब इसके अंदर जो मटर हमने पीस के रखे थे उसे डाल देना है, लेकिन उससे पहले हमने हल्दी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी, तो जब मुझे याद आया तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच के करीब, और तेल में हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और उसके बाद पूरे बैटर को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, ध्यान रहे इसमें अभी नमक ऐड नहीं करना, बस इतना ही बैटर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसे कुक करना है। तो इसे रख देते हैं साइड पे और इसके अंदर कबाब का टेस्टी वाला मसाला तैयार करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्राई पैन लिया है मैंने, और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। अब इन जो मसाले हैं ना उसे ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से इसे भूनना है। जब ये भून जाए ना तो गैस को बंद करेंगे, और बैटर जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में डालकर एक अच्छा सा पाउडर हमने इसे तैयार कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारा मटर का बैटर है देखिए इस तरह से ड्राई हो चुका है। 10 मिनट में बिल्कुल स्लो आंच पर आप इसे कुक करेंगे ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो पूरा पानी जो है ना वो सूख चुका है और बैटर ड्राई हो गया है। तो गैस को बंद कर लेंगे। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग से बाउल में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बैटर अभी ज़्यादा ठंडा है तो दूसरी चीज़ें अभी इसमें ऐड नहीं करते, बस 2 मिनट के बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बैटर ठंडा हो चुका है, तो चलिए जितनी भी चीज़ें हैं ऐड करनी है 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ आलू लिया है, 1 मीडियम साइज़ का आलू है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, आप बिल्कुल ऐसे ना डालें। 1/2 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 बड़ा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है। अब ये मसाला है जो हमने भून के रखा था ना उसे मैंने मिक्सी में चला लिया था, तो 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भुने हुए चने का पाउडर मैंने लिया है, अगर ये पाउडर ना हो ना तो आप क्या करें, बेसन को पहले अच्छे से भून लें। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है, या फिर आप चावल के आटे को भी थोड़ा सा भून करके इसमें डाल सकते हैं। अब फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे और लास्ट में डाल देंगे नमक, आप चाहे तो काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्टेज पर आप अगर थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं ना तो लेमन जूस इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आमचूर पाउडर की जगह पे चाट मसाले पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों से हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए इस तरह से डो बन जा रहा है ना, तो ये पूरा प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छे से मिक्स तो हो गया, चलिए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। आप चाहे तो लंगोल बना सकते हैं, टिकी शेप में बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से टिकी शेप में छोटे छोटे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी, ये देखिए। हाँ, इसी टेस्ट पर आप नमक वगैरह ज़रूर से इसमें टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्ची वगैरह भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
बस इस तरह से यहाँ पे मैंने टिक्की को तैयार कर लिया है और सारी टिक्की मैंने इतने बैटर में ना 8 टिक्की बनकर रेडी हो गई थी। तो ये लीजिए टिक्की तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर आप स्टोर भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सेलो फ्राई करेंगे। ध्यान रहे इसको हमने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना वरना पूरा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और जो टिक्की है आपकी फैल जाएगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, बस इस तरह से थोड़ा सा ऑयल में ही हमें इसे कुक करना है और इसे जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब वन साइड अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाएगा ना तब हम इसे टर्न करेंगे और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखना है, स्लो नहीं रखना है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तो कुक हो ही चुकी है, बस इसके ऊपर और नीचे अच्छा सा कलर लाना है। तो इस तरह से हमने इसे टिक्की को टर्न कर लिया है। देखिए ये वन साइड तो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, अब जब दूसरी साइड भी कुक हो जाएगा ना तो हम इसे टर्न कर लेंगे। चलिए दूसरी साइड भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो ये टिक्कियाँ है ना बिखर जाएगी। आप चाहें ना तो इसे घी या बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी वाली यहाँ पर हमारी कबाब जो है ना मटर के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, मसाले की जो खुशबू है ना वो रियल कबाब की तरह टेस्ट आता है और इसकी खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया है विंटर स्पेशल में हमारा ये मटर के हरे भरे कबाब। अच्छा जो दूसरी रेसिपी होती है ना उसके अंदर इसके साथ पालक भी मिक्स किया जाता है। तो आपको अगर ये रेसिपी ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और इसी तरह की बेहद आसान और नई नई रेसिपी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।